वो भी न्याय करेगा, परमेश्वर ने कहा नहीं। ये पावर किसके पास है बोलो? पिता के पास, हाँ या ना? बोलो हाँ के ना। ये पावर किसके पास है? पर यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम क्या पाओगे? पावर को पाओगे। अगर आप इब्रानी या यूनानी में बाइबल को पढ़ें तो जो पावर शब्द पिता के लिए इस्तेमाल हुआ वो और शब्द है, और जो पावर शब्द परमेश्वर ने चेलों के लिए इस्तेमाल किया वो और शब्द। जिस पावर शब्द को यूनानी भाषा से चेलों के लिए निकाला परमेश्वर ने, उसका मतलब ये है डुनामिस। बोलो डुनामिस, जोर से बोलो डुनामिस। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम डुनामिस पाओगे, हां के ना? आए ध्यान से समझना, परमेश्वर ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम क्या पाओगे? पावर, यानी डुनामिस। डुनामिस का मतलब ये है अबिलिटी आना, ताकत पाना, मिरेकुलस। मिरेकुलस मतलब एक अद्भुत ताकत पाना, बदलने की, चेंज करने की। जिस पावर शब्द को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया पिता के लिए, उसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम पावर में बैठे हैं, वो जिसके जिसके ऊपर और कोई नहीं। पर जिस पावर शब्द को चेलों के लिए इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है डुनामिस। डुनामिस का मतलब एक मिरेकुलस पावर, बीमारियों से आजाद करने की पावर। जिस तरह एलिशा के पास जब औरत आती है और बोलती है कि तेरा दास भविष्यद्वक्ता मर गया है और मैं कर्जे में हूं, उसने कहा तेरे पास क्या है? थोड़ा सा ऑयल। उसने कहा जा और वो ऑयल, वो तेल अपने पड़ोसी के बर्तनों को मांग लिया और उसमें उंडेल दी जा और वो बढ़ता जाएगा। और लिखा वो तेल बढ़ता गया। इसका मतलब क्या था? एलिशा ने, उस दास ने, उस एलिया ने भी अपनी जिंदगी में किस पावर का इस्तेमाल किया? डुनामिस, यानी वो पावर जो चेंज करती। आपने अपने बच्चों को समझाया होगा बेटा नशा नहीं करना है, बेटी गलत काम नहीं करना है, कहीं गलत नहीं जाना है, देखना नहीं। पर आपने देखा होगा वो चेंज नहीं होते, क्योंकि जो मिरेकुलस पावर है चेंज करने की वो तब आती है जब पवित्र आत्मा, लिखा जब तुम पे उतरेगा तब तुम पावर डुनामिस सामर्थ को पाओगे। और बाइबल बताती पवित्र आत्मा के उतरने से पहले परमेश्वर ने कहा था कहीं मत जाना, पर एक स्थान पे यरूशलेम की में रह के बाट को जोहना, इंतजार करना, और जब तक वो पावर तुम्हें ना मिले तब तक हिलना ना। जब एक विश्वासी परमेश्वर में आते हैं तो उसे बताया जाते हैं अपना स्थान मत छोड़ना, आमीन, अपनी जगह मत छोड़ना। लोग कुछ भी कहें, रिश्तेदार कुछ भी कहें, तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े पहले कुछ महीने, पर अपना स्थान मत छोड़ना। क्योंकि जो इंतजार करने वाले पवित्र आत्मा उन पे आने वाले हैं और डुनामिस देने वाले हैं, आपका आमीन छोड़ हैं। इसलिए बताया जाता है सेवकों को अपना स्थान मत छोड़ना, वॉलंटियर्स, सब सेवक, सब तरह के सेवक, पास्टर्स, इवेंजेलिस्ट, प्रोफेट्स, अपोस्टल्स, अपना स्थान मत छोड़ना। जो जगह प्रभु ने दी है उसे मत छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। सुनो मेरी बात, जब वो सामर्थ आपकी लाइफ में आती आप फिर अपने बच्चों से लड़ते नहीं हो कि नशा छोड़ दें। आपके बच्चे जब घर से बाहर नशा करने के लिए जाते हैं आप घुटनों में आते हो और सामर्थ को रिलीज करते हो कि परमेश्वर मैं अपने बेटे में सामर्थ को भेजती हूं, आज इसका दिल ना करें, आत्मा इस चली जाए। वो घर आके बोलते हैं, बोलते मम्मी बोलती क्या हुआ जल्दी आ गया, आज मैंने मिलया नहीं टीटू, जरा नशे बेचता ना मुंडा, आज मैंने मिलया नहीं। उसको ये नहीं पता आपके डुनामिस वाली पावर ने उस टीटू को जेल में डाल दिया हुआ है। आपका आमीन छोटा है चर्च।